अस्सलाम वालेकुम, सरगोधा यूनिवर्सिटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का वेलकम है। तो आप लोगों के पेपर उम्मीद है कि अच्छी हो रहे होंगे। गेस्ट पेपर चीज़ें भी आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंट शेयर की जा रही हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे बीए एडीए कंपोजिट स्टूडेंट का इंग्लिश का पेपर बी जो होता था पहले 2022 तक सरगोधा यूनिवर्सिटी का, उनका पेपर कंपोजिट वालों का इस साल कैसा आएगा। ठीक है, इस साल जो है ना पार्ट वन और पार्ट टू को सेपरेट यानी कि सेम ही पेपर कर दिया गया है, पेपर ए और बी ख़त्म कर दिया गया है। यही पेपर पार्ट वाइज है और यही पेपर आपका कंपोजिट को आएगा। पेपर पैटर्न आपको दिखा देते हैं, पेपर ओरिजिनल 2022 का। आपको सेक्शन ए बेसिकली 40 नंबर का होता है, आपका टोटल पेपर 100 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें आपको ना जो क्वेश्चन वन आता है वो मॉडर्न ऐसे ऐसे आता है, तीन सवाल आपने दो अटैम्प्ट करने हैं, 150 वर्ड के ऊपर आपने आंसर देना है। और ये जो नोट्स है ना इसके अंदर एक मॉडर्न ऐसे का एक ही आंसर है, तो इसलिए बेहतर है टाइम सेव करने के लिए आप लोग नोट्स परचेज करके वहाँ से तैयारी करें। क्वेश्चन टू है, आपने द ओल्ड मैन एंड द सी जो नावल है वहाँ से आपको तीन क्वेश्चन आने हैं, दो अटैम्प्ट करने हैं, ये भी 20 मार्क्स का है। इस तरह 40 मार्क्स आपके सेक्शन ए के हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जी सेक्शन बी की। सेक्शन बी होता है ग्रामर पोर्शन। आपने इसमें क्वेश्चन नंबर थ्री आता है, आपको ऐसे आपने लिखना है विद आउटलाइन, आपने 300 से 350 वर्ड्स के ऊपर आपने ऐसे लिखना है, पाँच आने हैं आपको, एक अटैम्प्ट करना है, 25 मार्क्स का ऐसे है, पाँच नंबर आपको आउटलाइन बनाने के मिलेंगे और 20 नंबर आपको ऐसे के मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है जी क्वेश्चन फोर, करेक्ट एनी फाइव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यानी कि करेक्शन है, आपने 10 आने हैं आपको, पाँच अटैम्प्ट करनी है, एक दो नंबर किया, टोटल 10 मार्क्स का ये सवाल है। उसके बाद क्वेश्चन फाइव है, आपको ईडियम्स आने हैं, 10 आने हैं, पाँच अटैम्प्ट करने हैं आपने। ठीक है, 10 नंबर का ये वाला सवाल है। ठीक है, पेपर के अंदर आपको जो मॉडर्न वो है हमारे नोट्स, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मिल जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा आप पास पेपर भी कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन सिक्स है, लेटर या फिर एप्लीकेशन, ये आप एक चीज़ करेंगे। ठीक है, आपकी चॉइस है, जो आपको ईजी लगता है वह आप लोग कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कर लें, साथ एक एक मल्टी भी कर लीजिएगा, चाहे आप एप्लीकेशन कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो थोड़ी बहुत हैं, उसके अलावा आप एक मल्टी कर लो, लेटर छोड़ दो, लेटर कर लो चार पांच और इसके साथ एक मल्टी लेटर कर लो, बाकी सारा कुछ छोड़ दो। ठीक है, तो ऐसे आपने एक करना है, या तो आप एप्लीकेशन अटैम्प्ट करोगे या आप लेटर अटैम्प्ट करोगे, 15 मार्क्स का ये सवाल है। इस तरह आपका टोटल मार्क्स जो है वो 100 बनता है। यही पेपर आपको बी ए डी ए कंपोजिट को आएगा और यही पेपर बी ए डी ए पार्ट टू वालों को आएगा, क्योंकि इस साल जो है ना वो तब्दील कर दिया गया है। पहले पेपर ए और पेपर बी होता था कंपोजिट का, तो उसमें ना थोड़ी चीज़ें डिफरेंट आती थी, लेकिन इस बार जो है ना पार्ट वन का आप लोगों ने पेपर देखा होगा तो आपका और पार्ट वन का और कंपोजिट का पेपर सेम ही है, तो पार्ट टू का पेपर भी सेम ही होगा बी ए डी ए इंग्लिश का। तो आप लोग तैयारी करें, इंशाल्लाह आप लोगों की तैयारी नोट से बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी अगर आप लोग तैयारी करने वाले होंगे। वहाँ पर ऐसे इंपॉर्टेंट करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, ईडियम्स, हर चीज़ आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड की गई है। उम्मीद है कि आप इस नोट्स से अच्छी से पढ़ के अच्छे से तैयारी करके आप पेपर अटैम्प्ट करोगे। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।